आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है। जी हाँ, हम बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो के बारे में। ये कनाडा के प्रधानमंत्री है और भाई साहब ना जाने ऐसी हरकतें करते जा रहे हैं जिससे कनाडा और इंडिया के रिलेशन काफी खराब होते जा रहे हैं इंटरनेशनल तौर पे। देखो रीजन क्या है, अभी जो रिसेंटली पिछले साल जून में हरदीप सिंह निज्जर जो एक खालिस्तानी है उसकी डेथ हो जाती है। अब उसका मुद्दा भाई साहब इस साल उठाते हैं कि इसके पीछे इंडिया का हाथ था। उनके हिसाब से वो जो हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके या उनकी जो सरकार है, उनके जो पुलिस वाले हैं, यहाँ तक कि उनके जो विदेश मंत्री है, वो हर जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है और इंडिया बिश्नोई गैंग की मदद से ये सब कर रहा है, इन खालिस्तानियों को मरवा रहा है जो कनाडा में रहते हैं। अब देखो ये चीजें तो हम आगे जानेंगे कि बात क्या है, कहानी क्या है, हरदीप सिंह निज्जर क्या है, कौन है, ये सब चीजें हम जानेंगे। लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो करना चाहता है, डिफेम करके इंडिया को नीचे दिखा के अपने आप को ऊपर दिखाना चाहता है और एक जो खालिस्तानी कम्युनिटी है जो मेजोरिटी में कनाडा में रहती है उसका वोट बैंक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से एक इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जस्टिन ट्रूडो के लिए, किस तरीके से वो अपने आप को आगे ला रहा है इंडिया को डिफेम करके, एक इंटरनेशनल रिलेशन खराब करके। कनाडा इंडिया रिलेशन हमेशा से सही रहे सिर्फ इसकी सरकार को छोड़ के, ये इस तरीके से बातें कर रहा है जिस तरीके से हमारे इंडिया में पप्पू करता है, जैसे कि राहुल गांधी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो आइए हम बात करेंगे इस पूरे कहानी के जो मेन कैरेक्टर है हरदीप सिंह निज्जर उसके बारे में, क्यों उसके लिए कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को डिफेम किया है इंटरनेशनल तौर पर, इन चीजों का हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम और मैं भारत के प्यारे शहर दिल्ली में रहता हूँ। हरदीप सिंह निज्जर स्टार्टिंग से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, जहाँ वो पंजाब के जलंधर जिले में रहने वाला था। उसके बाद वो फर्जी पासपोर्ट बना के कनाडा में शिफ्ट हो जाता है और कनाडा में प्लम्बरिंग का काम स्टार्ट कर देता है, जहां वो कनाडा के सिख समुदाय के बीच में खुद को एक नेता के तौर पर स्थापित कर लेता है, जिसे देखकर ब्रिटिश कोलंबिया की जो सरकार होती है उसे गुरु नानक गुरुद्वारे का प्रमुख बना लेती है और चुन लेती है। अब ये सब देख के ISI के साथ उसकी जो लिंकेज है काफी बढ़ जाती है और ISI के सपोर्ट में रहने लगता है, और ISI के कहने पर ही वो कनाडा में भारत विरोधी हरकतों को गतिविधियों को अंजाम देने लगता है। ऐसे करते करते चीजें चलने लगती है। अब होता है क्या, जब उसकी मौत होती है 2023 में जून में, उससे 10 साल पहले भी वो पाकिस्तान जा चुका होता है और जो उसका सारा खर्चा होता है पाकिस्तान जाने का वो ISI उठाता है, जिससे ये चीजें साफ होती है कि उसकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से काफी अच्छे संबंध है उसके हरदीप सिंह निज्जर के, तो ये भी एक रीजन है। अब 2015 में हरदीप सिंह निज्जर ब्रिटिश कोलंबिया में क्या करता है, खालिस्तानी कैंप लगाता है खालिस्तानी आतंकियों के लिए, और जो कैंप लगाता है उसमें जो खालिस्तानी आतंकी समर्थक है उसको ट्रेनिंग भी देता है हथियार चलाने की, ये चीजें वो कर रहा होता है। उसके साथ क्या करता है, वो जो कनाडा में एक रह रहा होता है मनदीप सिंह उसके साथ मिलता है, और बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक ऐसी संगठन है जो खालिस्तानी आतंकियों की एक संगठन है, उसके लिए वो फंड इकट्ठा करता है मनदीप सिंह के साथ मिलकर। वो क्यों इसलिए करना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो दोबारा एस्टेब्लिश करना चाहता है बब्बर खालसा इंटरनेशनल को, क्योंकि वो चाहता है कि जो जो संगठन अलग से खालिस्तानी देश की मांग कर रही है वो एकजुट हो जाए और इसमें फंड रेज करे और पैसा लगाए। तो ये इसकी पूरी स्ट्रेटेजी होती है किस तरीके से वो काम कर रहा होता है। अब होता यह है कि हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है जून 2023 में, लेकिन ये जो हत्या होती है उसका सारा इल्जाम कनाडा सरकार भारत पे लगा देती है। देखो हरदीप सिंह स्टार्टिंग से भारत विरोधी तो रहा है, और यहाँ तक कि भारत ने उसका नाम 40 आतंकियों की लिस्ट में भी रखा है और उसपे 10 लाख का इनाम भी रखा है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत भारत ने करवाई है बिश्नोई गैंग की मदद से। ये तो हमने जान लिया हरदीप सिंह निज्जर कौन था और किस तरीके से उसकी मौत हुई और क्यों उसकी मौत का सारा इल्जाम भारत पे लगा बिना किसी सबूत के। देखो बेसिक सी बात है, जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री है कनाडा के। अब जो कनाडा में इलेक्शन होते हैं पहले हमें उसको समझना पड़ेगा क्या किस तरीके से होते हैं। कनाडा में 338 सीट के लिए इलेक्शन होते हैं, जिसमें से अभी प्रेजेंट जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है लिबरल पार्टी उसके पास 157 सीट है और मेजोरिटी जीतने के लिए 172 चाहिए, और जो उनकी जो अपोनेंट कॉम्पिटिटर पार्टी है जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनके पास है 121 सीट, और जो रिमेनिंग पार्टी है ग्रीन पार्टी है NDP जो अदर पार्टी उनके पास छोटी मोटी सीटें हैं। अब ये चीजें ट्रूडो समझ गया है कि उसको जीतने के लिए चाहिए 172, और उसको ये पता है कि कनाडा में एक मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है पीपल है खालिस्तानी ग्रुप का, उसके जो समर्थक है उनका जो वोट बैंक होगा वो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है,
उस वोट बैंक से वो अगले साल का इलेक्शन जीत सकता है। इसीलिए वो इंडिया को डिफेम कर रहा है और खालिस्तान के सपोर्ट के लिए लड़ रहा है। इसलिए तो उसने जो पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर की मौत हुई थी उसका मुद्दा इस साल भी उठा रहा है, वो भी बिना किसी सबूत के, और इंडिया के साथ एक रिलेशन खराब कर रहा है इंटरनेशनल तौर पर। हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ये तो कह देते कि इंडिया क्राइम को सपोर्ट करता है। अब उसके साथ जो कैनेडियन पुलिस है वो बिश्नोई गैंग का भी नाम ले लेती है कि इसमें बिश्नोई गैंग भी शामिल है। जब ये चीजें हो रही होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह, जो कनाडा के पुलिस, कनाडा के पीएम, और यहाँ तक कि जब कनाडा के विदेश मंत्री से पूछा जाता है क्या कनाडा इंडिया पे सैंक्शन लगाएगा, तो वो कहती है कि एवरीथिंग ऑन द टेबल। इसका मतलब है कि वो इंडिया पे सैंक्शन इम्पोज कर सकती है जो G7 कंट्री है और जो 5i कंट्री है उसके साथ बात करके, एक कॉन्वर्सेशन करके। जो 5i कंट्री है उसमें कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके आते हैं, इनके साथ बात करके वो इंडिया पे सैंक्शन लगा सकती है। देखो जो अभी इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है उसमें वेस्टर्न कंट्री जैसे यूएसए, यूके, इनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है, और अभी रिसेंटली यूएसए के साथ रिलेशन काफी अच्छे बिल्डअप हुए हैं। तो जहां तक लगता है यूएसए कनाडा को सैंक्शन इम्पोज करने नहीं देगा। अगर कनाडा इम्पोज करता भी है तो एक छोटे लेवल पे ही कर सकता है जिसमें वो इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन गवर्नमेंट को कनाडा में एंट्री अलाउ नहीं करेगा, यही कर सकता है वो, इससे बड़ा सैंक्शन नहीं लग सकता है। अगर हम वेस्टर्न कंट्री के साथ अगर इंडिया रिलेशन देखे तो, क्योंकि उसकी जो कॉन्वर्सेशन होगी वो होगी 5i कंट्री के साथ जिसमें कनाडा के साथ यूएसए भी है, यूके भी है, न्यूजीलैंड भी, इनके साथ भी इंडिया के काफी अच्छे रिलेशन है, कनाडा के साथ भी काफी अच्छे रिलेशन है, लेकिन पीएम जो अभी जस्टिन ट्रूडो है उसके वजह से रिलेशन खराब हुए। देखो इन चीजों में जो सबसे गलत काम है, जो सबसे गलत न्यूज दिखा रही है वो है वेस्टर्न मीडिया। यहाँ तक कि जो इंडिया मीडिया है वो भी सही दिखाई है। आज तक जो कहते हैं इंडिया की मीडिया कॉपी करती है या सरकार के अंडर में काम करती है उसने यहाँ तक सही दिखाया है, और जो वेस्टर्न मीडिया है वो क्या प्रिंट करता है कि कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को निकाला है कि तुम निकल जाओ हमारी कंट्री से, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने खुद बोला इंडियन डिप्लोमेट जो कनाडा में काम कर रहा है या कनाडा में है कि तुम वापस आ जाओ, और इनके जो जो कैनेडियन डिप्लोमेट है इंडिया में उनको वापस भेज दिया। पर उन्होंने किस तरीके से दिखाया वेस्टर्न मीडिया ने कि कैनेडियन जो है कनाडा के लोग हैं उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया कनाडा की सरकार ने, जबकि ऐसा है नहीं। और जिस तरीके से अभी रिलेशन खराब हो ही गया है और इंडिया के रिलेशन जो कनाडा के साथ इतने खराब हुए हैं, तो इंडिया को जो नेक्स्ट ईयर G7 का जो समिट है कनाडा में हो रहा है उसमें तो जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ट्रूडो साहब है उन्होंने खुद ही बोला कि जो G20 का समिट हुआ था जिसका इंडिया ने वो किया था, होस्ट किया था, उनके हिसाब से ये कहना है कि वो G20 समिट इंडिया का खराब कर सकते थे इस बात को उठा करके। किस बात को? यही हरदीप सिंह निज्जर की मौत की बात को कि खालिस्तानियों पे अटैक करवाया जा रहा है इंडिया के द्वारा, कि इंडिया क्राइम को सपोर्ट करता है, ये चीजें उठा के ये ट्रूडो जी ने कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं था इसलिए हमने इस बात को नहीं उठाया। सबूत अभी भी नहीं है, अभी भी बस इस बात को ऐसे उछाला जा रहा है, इंडिया पे इल्जाम लगाया जा रहा है। जब अभी तुमसे सबूत मांगा जा रहा है तो तुम्हारे पास सबूत नहीं है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इंडिया इसके पीछे हो सकता है। इनके खुद के शब्द होते हैं कि इंडिया इसके पीछे है लेकिन कोई सबूत है नहीं। तो इस तरीके से तो अगर इंडिया को भी अपने एक बना के रखना है तो उसके लिए इंडिया को भी G7 समिट में नहीं जाना चाहिए, इसकी G7 समिट भी खराब करनी चाहिए। अगर इंडिया जाता है तो फिर इंडिया झुक जाता है इस तरीके से। जस्टिन ट्रूडो की जो मेंटेलिटी है उसका जो मेंटेलिटी है वो सिंपल है कि उसको अगले साल का इलेक्शन जीतना है। अब उसको पता है कनाडा में जो उसका मेजर वोट बैंक है वो है खालिस्तानी कम्युनिटी, इसलिए वो खालिस्तानी कम्युनिटी को खुश करने के लिए ये चीजें कर रहा है, इंडिया को डिफेम कर रहा है। अब देखो जो इंडिया है वो खालिस्तानी ग्रुप को इसलिए पसंद नहीं करते या इसलिए उसको खत्म करना चाहते हैं इंडिया, क्योंकि जो खालिस्तानी ग्रुप है वो इंडिया के जो पंजाब है उसको इंडिया से अलग करना चाहती है, वो एक अलग खालिस्तानी देश बनाना चाहती है इंडिया का, मतलब बंटवारा करके। इंडिया के जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, यहाँ तक कि जो कनाडा के गैंगस्टर है गोल्डी बरार, दोनों भले ही गैंगस्टर है लेकिन वो एंटी इंडियन नहीं है। उनका जो सिंपल ये कहना है कि वो खालिस्तानी को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो इंडिया के बंटवारा करना चाहते हैं। इस वीडियो में हमने जान लिया किस तरीके से इंडिया और कनाडा के रिलेशन खराब हुए। आई होप मेरी वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।